हाय एवरीवन, दिस इज कुमार ठाकुर एंड योर वाचिंग मशीन। हमें गया तो दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए मैंने पीछे के वीडियो में ये बताया था कि कैसे आप 6 मंथ यानी जीपी राइटिंग कोर्स होता है एक मर्चेंट नेवी में, कैसे आप ये 6 मंथ का कोर्स करके कैसे आप शिप पर जाकर कैप्टन बन सकते हैं, ये मैंने पीछे की वीडियो में बताया था। तो बहुत सारे हमारे भाई लोग कमेंट करने लगे कि भाई ये भी बता दीजिए कि कैसे आप जीपी रेटिंग यानी 6 मंथ का कोर्स करो, कैसे अगर हम चाहना बनना चाहें, अगर जहाज का बहुत बड़ा इंजीनियर यानी चीफ इंजीनियर अगर बनना चाहें जहाज का, तो कैसे बन सकते हैं ये 6 मंथ वाला कोर्स करके। तो आज मैं आपको हर एक चीज में, आपको इस वीडियो में हर एक चीज में आपको ज्ञान देने वाला हूं जो भी हमारे पास है, कैसे आप मात्र 6 मंथ का कोर्स करके यानी जीपी रेटिंग कोर्स करके कैसे एक शिप का बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकते हैं यानी चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में अगर मैं बता दूं छोटा सा, इसके बारे में अगर आपको जानकारी दे दूं, तो ये ऐसा मतलब ये कोर्स होता है जो मात्र 6 महीने का कोर्स होता है, 2 से 2.5 लाख रुपए में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसको कर लेने के बाद ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डेक साइड में जाते हैं या इंजन साइड में जाते हैं। ये एक ऐसा कोर्स होता है जो बीच का कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद आप डिसाइड करते हैं ना कि मुझे शिप का कैप्टन बनना है कि मुझे शिप का इंजीनियर बनना है। तो दोस्तों ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। जो भी हमारे भाई इस फील्ड में आना चाहते हैं उन सभी के लिए कैसे जीपी रेटिंग कोर्स करके एक जहाज का बहुत बड़ा इंजीनियर बना जाए, ठीक ना। इससे पहले वाली में वीडियो में बताया था कि ये जीपी रेटिंग कोर्स करके कैसे आप जहाज का कैप्टन बन सकते हैं 10 सालों 12 सालों में। तो इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि यही जीपी रेटिंग कोर्स करके कैसे आप शिप का चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आप सबको दिल से धन्यवाद ये वीडियो देखने। सबसे पहले ये जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आपको, आप जब शिप पर जाते हैं तो आपका जो रैंक रहता है वो ट्रेनिंग वाई पर रहता है, ठीक है। अगर आप बैक साइड में जाते हैं तो आपका ट्रेनिंग वेस रहता है, उसको छोड़ दीजिए, वो सब बन गए तो आप चलकर आगे ऑफिसर और कैप्टन बनेंगे। बट मैं इंजन साइड की इसलिए बातें करने वाला हूं क्योंकि मैं आपको जीपी रेटिंग कोर्स से आपको मैं चीफ इंजीनियर तक बनाने वाला हूं, चीफ इंजीनियर तक मैं रास्ता बताने वाला हूं, ठीक है। देखो चलना आपको मैं रास्ता बस बता सकता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जीपी रेटिंग जो 6 मंथ का कोर्स होता है उसको करना है। करने के बाद आपको क्या करना है कि सी पर आप जैसे ही आप जाते हैं आपका जो पहला रैंक होगा ना वो ट्रेनिंग वाइपर होगा। 6 महीने या 9 महीने का पहला आपका जो सेल होगा ट्रेनिंग वाइपर आपका पोस्ट होगा, पहला पोस्ट। उसके बाद आपका उधर से आएंगे 6 मंथ और 9 मंथ के बाद वॉचकीपिंग के लिए आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा। आपको उधर से आएंगे 6 मंथ और 9 मंथ के बाद वॉचकीपिंग के लिए आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा। आपको मतलब IMEI में आपको अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक ना। वॉचकीपिंग 1 से 1.5 महीना लगता है। अब इसके बाद आप जाएंगे शिप पर, तो फिर से आप 1 या 2 सेल करते हैं शिप पर जाकर, तो आपको शिप वाले आपको प्रमोट करके आपको आइलर या मोटर में बना देते हैं, 1 से 2 सेल करते हैं तब, ठीक ना। ट्रेनिंग वाइपर बन गए के बाद उसके बाद आपने 1 से 2 सेल फिर से शिप पर किया, तो खुद शिप ही वाले जो होते हैं कंपनी वगैरह होती है आपको प्रमोट करके 1 या 2 सेल जब करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको आयलर या मोटर में बना देते। देखिए आयलर और मोटर में दोनों सेम ही होता है। बहुत सारे भाई हमारे पीछे के वीडियोज में ये पूछे थे, पीछे के वीडियो में ये कमेंट में पूछे थे कि भाई अगर ये लोग चाहें अगर क्या आयलर से या आयलर या मोटर में से क्या हम अगर शिप पर फिटर बनना चाहें तो क्या बन सकते हैं कि नहीं। देखिए आज के समय में क्या हो रहा है ना कि दोस्तों और जो शिप वाले होते हैं ना मतलब बाहर से फिटर ला रहे हैं, बाहर से फिटर बोले जो लोग जैसे बाहर के दुनिया में ITI वगैरह करके, हाँ फिटर से ITI वगैरह करके ऐसे उन लोग जो ऑलरेडी ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं उन सबको आज के डेट में शिप डायरेक्ट बाहर से फिटर रख रहे हैं, ठीक ना। और जीपी रेटिंग अगर कोई बंदा है अगर वो उसने भी ITI वगैरह सब किया है, अच्छी नॉलेज वगैरह है, तो मुझे लगता है कि वो फिटर बन सकता है। बट लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा कुछ सब बाहर का ही मतलब शिप वाले फिटर उठा ले रहे हैं, ठीक ना। देखिए फिटर बोले तो आयलर जो आपका मोटर में जो आपका रैंक होगा ना, इन रैंक से इन लोगों का जो सैलरी होता है फिटर लोगों का, ये मुझे लगता है कि 20 से 30 हज़ार रुपया अधिक होता है। आयलर या मोटर बनने के बाद आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपके जो मतलब वॉच कीपिंग के बाद आपको दोस्तों 36 बोले तो 9 महीने के नचे 36 यार से आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। यानी 36 मंथ का अनबोर्ड अगर आप एक्सपीरियंस अगर आप तार बुक अच्छा से फिलअप होता है तब आप क्या होता है एलिजिबल होते हैं ये क्लास 4 का एग्जाम देने के लिए। बात समझ पा रहे हैं ना, होगा कितना वॉचकीपिंग के बाद आपको 36 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपके तार बुक पर प्रॉपर फिलअप होना चाहिए, यानी आपका प्रॉपर मतलब ऑनबोर्ड आपका दिखाना चाहिए, ठीक ना, तार बुक वगैरह पर। और इसके बाद इसमें क्या होता है कैप्टन का सिग्नेचर होता है, उसके बाद कैप्टन और आपका चीफ इंजीनियर होता है और कंपनी का साइन और स्टाम्प होता है। इसके बाद क्या करना है आपको, आपको MMD जो कोलकाता है उसमें अप्लाई करना है। उसके बाद इसमें जब आप MMD कोलकाता में अप्लाई करते हैं तो आपको 4 महीने का मॉडुलर कोर्स करना पड़ेगा। मॉडुलर कोर्स करने का इसके अगर कीमत की बात करते अगर इंडिया में ये कोर्स करना चाहते हैं, ठीक ना, इंडिया में इसका जो कीमत है 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक ये मॉडुलर कोर्स का है, ठीक ना। MMI करने के बाद आपको 4 मंथ का जो मॉडुलर कोर्स है अगर आप इंडिया से करते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए लगता है। अगर आप यही कोर्स अगर आउट ऑफ कंट्री में करते हैं जैसे न्यूजीलैंड हो गया, आउट यूके हो गया, ठीक ना,
और मतलब लंदन वगैरह हो गया, ये मतलब इन इन जगहों पर अगर आप जाकर यही मॉड्यूलर कोर्स करते हैं तो आपको 10 से 12 लाख रुपए का खर्च पड़ जाएगा। लेकिन यही कोर्स अगर आप इंडिया में करते हैं, ठीक ना, एमबीए में अप्लाई करने के बाद ये कोर्स करते हैं 4 महीने का, ये मॉड्यूलर कोर्स करते हैं, तो आपका मात्र 2 से 2.5 लाख रुपये में काम हो जाएगा। हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम तेज बोले, थोड़ा सा स्पीड बोले, तो आपको अच्छे समझ में ना आए। तो ये वीडियो को मतलब अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा, जहाँ डाउट हो आप कमेंट में पूछिएगा, हम डाउट को आपको क्लियर करेंगे, ठीक ना। एमएमडी के ये 4 महीने का मॉड्यूलर कोर्स कर लेते हैं, अब यहीं तक सिलसिला नहीं थमने वाला है। इसके बाद आपको फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, मतलब ये तीन होता है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 का एग्जाम देते हैं। उसके बाद आप बन जाते हैं सीपर 4th इंजीनियर। देखिए 4th इंजीनियर के लिए जीपी रेटिंग से थोड़ा बहुत संघर्ष है, ठीक है, ये चीज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग ट्रेनिंग वाइपर जब थे आप मतलब 6 या 9 महीने में आपको वॉच कीपिंग मिल गया, वॉच कीपिंग होने के बाद आप सीप पर गए, उसके बाद आपको वॉच कीपिंग के बाद 36 महीने का आप एक्सपीरियंस लिए, फिर जाकर आपको क्या कहेगा, एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपको क्या, आप एमएमडी में जाकर एमएमडी कोलकाता में आप अप्लाई किए, उसके बाद 2.5 लाख वहां पर रुपया लगाने के बाद वहाँ पर खर्च आएगा आप जो कोर्स करेंगे 4 महीने का। उसके बाद फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 का एग्जाम देते हैं, उसके बाद आप बन जाते हैं सीपर 4th इंजीनियर, ठीक ना। 4th इंजीनियर के बाद 1 या 2 सेल आप जैसे ही आप सेल करते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिक सीप वाले जो होता है ना, मतलब जो कंपनी होती है जो सीप होता है, मतलब उससे आपको मतलब प्रमोट करके आपको ऑटोमेटिक मतलब 3rd इंजीनियर बना दिया जाता है, ठीक ना। 1 या 2 साल करेंगे, यानी 4th इंजीनियर बनने के बाद आपको 3rd इंजीनियर बनने के लिए कोई कोर्स वगैरह सब कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये सीप वाले आपकी कंपनी आपको प्रमोट करके एक या दो सेल आप जैसे ही करते हैं तो आपको प्रमोट करके 3rd इंजीनियर बना देगी। 3rd इंजीनियर बनने के बाद 18 महीने का आपका सी सर्विस चाहिए, अब आप तब जाके आप इलिजिबल हो जाएंगे क्लास 2 के एग्जाम देने के लिए। तो क्लास 2 3rd इंजीनियर बनने के बाद क्लास 2 के एग्जाम देने के लिए क्या होना चाहिए आपका, 3rd इंजीनियर के बाद आपका 18 महीने का क्या होना चाहिए, सी सर्विस होना चाहिए, तब आप बन जाते हैं एलिजिबल हो जाते हैं क्लास 2 के एग्जाम देने के लिए। ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करेंगे आपको एक इसमें क्या होना है, मॉड्यूलर कोई कोर्सेज नहीं करना है इसमें कोई 4 महीने का मॉड्यूलर वाला कोर्स नहीं करना होता है इसमें। लेकिन हाँ, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 का एग्जाम देना ही पड़ेगा, तो आप ये फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 का एग्जाम आप देते हैं तो आप बन जाते हैं सीपर या सेकेंड इंजीनियर। क्या सेकेंड इंजीनियर के बाद आपका 18 महीने का फिर से सी सर्विस चाहिए होता है, और 18 महीने का जब आप सी सर्विस करेंगे तब आप एलिजिबल हो जाएंगे क्लास 1 के एग्जाम देने के लिए। अब आप क्लास 1 के एग्जाम देंगे, क्लास 1 का एग्जाम देने के बाद फिर से आपको मतलब बना दिया जाएगा जहाज का चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर पहले से थे, 18 महीने एक्सपीरियंस लेने के बाद आप देंगे फिर से एलिजिबल हो जाएंगे क्लास 1 के एग्जाम देने के लिए, और क्लास 1 का एग्जाम देकर आप शिप का चीफ इंजीनियर बन सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही हमारे वीडियोस में बने रहिए दोस्तों, जो भी हमारे पास जानकारी आएगी आप सबको मिलता रहेगा। अगर आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप जरूर यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जो मैं आपको रिप्लाई दे दिया करूंगा। मैं अपने कमेंट बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम आईडी पिन कर दूंगा, वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके मुझे बात कर सकते हैं। थैंक यू, ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अलविदा लेना चाहूंगा, जय हिंद।